बात करें सिड और आसिम रिटर्न्स की, क्योंकि कल ही हमने देखा आसिम जाते हैं और बोलते हैं कि क्या ठीक है अब खत्म करते हैं सब कुछ, तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं आसिम का गेम प्लान भी हो सकता है, क्योंकि उन्हें सिद्धार्थ के इर्द गिर्द ही रहना है, वो लड़े या जो भी करे उनके साथ। एक्चुअली कल जब आसिम आए ना तो मुझे ना वो बहुत फेक लगा, पता नहीं क्यों, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगा, क्योंकि वो उसकी पीठ पीछे ऐसे तो बोलते सभी हैं पीठ पीछे, पर कल आसिम का मुझे लगा नहीं कि अचानक से आ गए और अब चलो खत्म करते हैं, पर ऐसा नहीं, अच्छा मतलब देखने में ही लग रहा था कि ये फेक है। तो इन दोनों की जोड़ी अब कितना भी वो कर ले, वो दोनों वापस उस तरीके की दोस्ती में नहीं आ पाएगा। और दोस्ती में भी पहले भी बताऊँ, अगर जब स्टार्टिंग में उनकी दोस्ती थी ना, तो मुझे भी तब भी मुझे ऐसा लगता था कि सिद्धार्थ थोड़ा डोमिनेटिंग हो जाते थे उनके ऊपर, तो वो दोस्ती वो वैसी है ही नहीं। अगर तुम किसी को बिल्कुल ही डोमिनेट कर रहे हो और तुम कह रहे हो कि जो मैं बोल रहा हूँ वो बोलो, तो वो वैसे भी दोस्ती नहीं है। पर उसके बाद जब वापस उन दोनों का खत्म हो गया ना, तब दोनों का गेम अलग था और तब देखने में दोनों का गेम अच्छा भी था। पर अब जब अगर आसिम आने की भी कोशिश करें तो वो आ नहीं पाएंगे, मुझे जहां तक लगता है कि उन लोगों की वापसी वैसी नहीं हो पाएगी जिस तरीके से स्टार्टिंग में थी। पर कहीं ना लगता है ना निधि कि अब ये गेम प्लान तो नहीं है कहीं आसिम का, क्योंकि हमने देखा है और इवन की कॉल ऑफ द वीक ने भी उन्हें वीकेंड के बाद पे बोला था कि आसिम अब आप दिख नहीं रहे हैं। इवन सलमान खान ने भी बोला था कि जब तक तुम सिद्धार्थ से लड़ते थे तब तक ही तुम दिखते हो। तो अब नहीं लगता कि आसिम अब गए बड़े फ्रेंडशिप है और मतलब हाथ वाथ मिला रहे और कहते हैं, मुझे लगता है ये आसिम का गेम प्लान है, क्योंकि देखिए अब बहुत कम वीक बचे हैं, फिनाले बहुत नजदीक है, तो हर कोई चाहेगा कि अब वो सारी चीजें सॉर्ट आउट करके कहीं ना कहीं पॉजिटिव दिखे, क्योंकि एट द एंड ऑफ सबको पता है कि बिग बॉस में वही जीतता है जो पॉजिटिव दिखता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब असीम चाहते हैं कि उनकी एक पॉजिटिव इमेज बने, जिससे उनको वोट बैंक में उनके फायदा हो, उनको ज्यादा वोट मिले और वो सिद्धार्थ को हरा पाए।